तो अभी हमारा जो नेट का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर कल आपने पेपर देखा था, क्वेश्चन किस किस चीज़ के थे उसमें, मैथ्स के भी थे, हिंदी के भी थे और साथ में किसके थे, इंग्लिश के भी थे। तो आज हम इंग्लिश के अंदर क्या पढ़ेंगे, अपोजिट वर्ड्स क्या पढ़ेंगे और जेंडर्स। जेंडर क्या होता है हिंदी में हम पढ़ते हैं ना लिंग, जिसके अंदर क्या होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ऐसे इंग्लिश में होता है फेमिनिन जेंडर और मस्कुलिन जेंडर। क्या होता है मेरे साथ दोहराएंगे, फेमिनिन जेंडर और मस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर का मतलब क्या हुआ स्त्रीलिंग, और मस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या हुआ पुल्लिंग, सही है। और अपोजिट वर्ड का मतलब क्या हुआ ये बताओ, कहते हैं विलोम शब्द को, यानी कि उल्टा, किसी भी चीज़ का उल्टा। अगर हम हिंदी में बात करें तो अच्छे का उल्टा क्या होगा, बुरा होगा। और अगर हम हिंदी में बात करें लिंग बदलो के अंदर हम बदलें तो लड़की का जो पुल्लिंग होगा वो क्या होगा, लड़का, क्या होगा लड़का, है ना। लड़की क्या हुई स्त्रीलिंग हो गई, लड़का क्या हुआ पुल्लिंग हुआ। तो बहुत बार जो हमारे जेंडर्स होते हैं वही हमारे अपोजिट वर्ड भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें इधर, अगर हम सबसे पहले बात करें गर्ल का, गर्ल का तो गर्ल का उल्टा क्या होगा बॉय, गर्ल का उल्टा क्या होगा बॉय। और गर्ल क्या है, गर्ल है फेमिनिन जेंडर, गर्ल क्या है फेमिनिन जेंडर, और उसका मस्कुलिन क्या हो जाएगा बॉय हो जाएगा, क्या हो जाएगा बॉय। तो यानी कि अपोजिट वर्ड और जेंडर जो है वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें हस्बैंड, तो हस्बैंड का उल्टा क्या होगा बताओ, है ना। वाइफ क्या हुआ स्त्रीलिंग हुआ ना वाइफ, तो उसका पुल्लिंग क्या होगा हस्बैंड। समझ में आ रही है बात मेरी, चलिए मेरे साथ इसी तरीके से दोहराएंगे। अपोजिट वर्ड भी हैं वो साथ साथ उसके जेंडर भी हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है वहाँ पे कि इसका फेमिनिन जेंडर लिखिए या इस वर्ड का मस्कुलिन जेंडर लिखिए, तो आप उसको उसका लिंग बदल के लिखना होगा, और अगर अपोजिट वर्ड में लिखना होगा तो उसका उल्टा लिखना होगा। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे कॉमन अपोजिट वर्ड याद करेंगे जो कि हमारे जेंडर्स में भी आते हैं। मैं एक बार पढ़ूंगी, बाकी साथ में सब लोग दोहराएंगे। गर्ल बॉय, हस्बैंड वाइफ, आंट अंकल, एक्ट्रेस एक्टर, सिस्टर ब्रदर, प्रिंसेस प्रिंस, हैन कॉक। में क्या दोहराएंगे, फेमिनिन जेंडर, क्या दोहराएंगे यानी के स्त्री स्त्रीलिंग, क्या दोहराएंगे स्त्रीलिंग, है ना। गर्ल वाइफ आंट एक्ट्रेस सिस्टर प्रिंसेस हैन वुमेन मदर क्वीन। अब इसका क्या होगा मस्कुलिन जेंडर, यानी कि उसका अपोजिट भी हम कह सकते हैं और उसका पुल्लिंग भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे पुल्लिंग, सही है। गर्ल का क्या हो जाएगा बॉय, अब सब लोग सामने देख के पढ़ेंगे, गर्ल का क्या है बॉय, वाइफ का आंट का अंकल, एक्ट्रेस का एक्टर, ये तो सबने सुना होगा ना, एक्ट्रेस का एक्टर, सिस्टर का ब्रदर, प्रिंसेस का प्रिंस। काम बच्चे अपने साथ उतारेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे नेट एग्जाम में इसी तरीके के शब्द आएंगे जिन्हें हमें छांट के फिर क्या करना होगा बताओ, उत्तर कैसे लगाना होगा, क्या करना होगा गोला काला करना होगा। सबको पता चल गया, ठीक है, हमें क्या करना होगा OMR शीट में हमें क्या करना होगा गोला काला करना होगा। जिस क्वेश्चन का जो भी नंबर पे ABCD में जो भी हमारा सही होगा उसे हमें क्या करना है काला करना है, ठीक है। सब लोग काम